हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक टेस्ट। इस टेस्ट में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक बारी हम 0 to 100 करेंगे इस गाड़ी का विद एयर फिल्टर, और एक बारी हम 0 to 100 करेंगे इस गाड़ी का विदाउट एयर फिल्टर। एयर फिल्टर निकालने का क्या मतलब है और एयर फिल्टर लगाने का क्या मतलब है, उसका एक बहुत मोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सो एयर फिल्टर काम क्या करता है कि आपकी जो इंजन में एयर जाती है उसे पूरा का पूरा छान के अंदर भेजता है, मतलब जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उन्हें रोक लेता है और सारी चीज़ें होती है उन्हें रोक लेता है और बिल्कुल प्योर हवा इंजन के अंदर जाती है, इससे कम्बक्शन अच्छा हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप एयर फिल्टर निकाल के चलाते हो तो कई बार होता है कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर जा सकते हैं, इससे इंजन डैमेज हो सकता है और लॉन्ग रन में ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ को हम बहुत थोड़े टाइम के लिए करेंगे। तो पहले हम इसका बॉनेट खोलेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ और क्या नहीं। जो लोग नए हैं शायद उन्हें ये चीज़ समझ ना आए। ये मैंने इसका पूरा का पूरा बॉनेट खोला। ये जो पार्ट है, क्योंकि ये डीजल व्हीकल है तो इसमें ना नट लगे हुए होते हैं, इन नट को खोलेंगे, ये जो पूरा एयर फिल्टर है इसे निकालेंगे, तब हम एक बारी 0 to 100 रन करेंगे, फिर हम एक बारी इसे लगा के 0 to 100 रन करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं टेस्ट 0 to 100 का, देखते हैं कौन से टाइम पे कितनी जल्दी गाड़ी 0 to 100 कवर करती है। सबसे पहले हम एसी ऑफ करेंगे। एसी ऑफ ये किया, लोड स्पीड 0 लगाया मैंने फर्स्ट गियर। ये यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ इंजन रैप, ये मैंने इंजन रैप किया, इंजन रैप ये 4,500 RPM फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर में खींचे जा रहा हूँ लगभग 4,500 पे चेंज किया मैंने और 80 पहुँच गई है और ये 100 देखते हैं कब तक पहुँचती है। ये मैंने फोर्थ गियर शिफ्ट कर दिया, 100 पहुँच गई। आपने देखा कि कितना टाइम लगा कितना नहीं, आप अपने हिसाब से काउंट कर लो जो भी आपको दिखता है। 0 to 100 आपको बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा। ये था एयर फिल्टर लगा के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एयर फिल्टर निकालने वाला हूँ। ये मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट है, ये मैंने गाड़ी बंद करी, बाहर जा रहा हूँ, इसे खोला मैंने, अब मैं आ गया बाहर, ये, और अब हम एयर फिल्टर खोलेंगे। अब मैं खोल रहा हूँ एयर फिल्टर, ये मैंने खोला, ये खुल गया पूरा का पूरा एयर फिल्टर। ये मैंने इसका कैप निकाला, इस साइड रखा, और ये है इसका पूरा का पूरा एयर फिल्टर। अब भाई इसे निकालते हैं, निकालना कैसे, बहुत नॉर्मल होता है, ये निकाल दिया। अब देख रहे हो गंदगी कितनी है यहाँ पे, ये जो मिट्टी होती है ना इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और सारी की सारी मेजर प्रॉब्लम ही यही है। इसे साफ़ करते रहो हर रेगुलर इंटरवल पे, सर्विस होती है अराउंड 10,000 किलोमीटर पे। आपको करना क्या है कि हर 3,000 किलोमीटर पे आपको अपना एयर फिल्टर साफ़ करना है। होगा क्या, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, पिकअप अच्छा आएगा और माइलेज तो अच्छी आएगी ही आएगी। यहाँ पे इसे हम साफ़ करेंगे, फिर हम विदाउट एयर फिल्टर भगा के देखेंगे एक बारी। दोबारा से एसी ऑफ कर रहे हैं, इस बारी हम जो 0 to 100 कर रहे हैं फिल्टर निकाल के कर रहे हैं। फिल्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रखा हुआ है एयर फिल्टर। सबसे पहले किया एसी ऑफ, ब्लोअर की स्पीड 0, फर्स्ट गियर शिफ्ट किया। अब इंजन के पहले मैं इंजन रैप करूँगा। इंजन रैप पे होता ये है कि पिकअप ज़्यादा अच्छी आती है इसलिए हम इंजन रैप करते हैं। 3,500 RPM पे, ये 3,000 RPM पे मैंने शिफ्ट किया, 4,000 पे शिफ्ट कर दिया मैंने सेकंड गियर, खींचे जा रहा हूँ। 4,500 पे मैंने थर्ड गियर शिफ्ट किया है, देखते रहना, और 4,000 RPM पे चौथा गियर शिफ्ट कर दिया, ये गया मेरा 0 to 100। आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी आया है, कितना लेट आया है, अकॉर्डिंगली आप टाइम लगा सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कितनी चीज़ें कितनी जल्दी हो रही है। टेस्ट कर लिया, दोनों की स्पीड मैंने चेकआउट करी, दोनों का टाइम मैंने चेकआउट किया, समझ बस एक चीज़ आई कि एयर फिल्टर लगा रखा हो या ना लगा रखा हो आपकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अगर सेकंड्स का कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा, वो भी उसमें भी क्या होता है कि कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल होनी चाहिए। अगर आप एयर फिल्टर लगा के नहीं भी चला रहे हो तब उस सिचुएशन में आपको फ़ायदा तब होगा जब आप एक ऐसे एल्टीट्यूड पर हो जहाँ पर एयर बहुत कम है, वहाँ पर तो आपको फ़ायदा दे सकती है। अभी जो मैंने टेस्ट रन किया है 0 to 100 उसमें मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं दिखा। इवन फिल्टर लगा के जो गाड़ी है लगभग 13 सेकंड में 0 to 100 पहुंची है और विदाउट फिल्टर लगभग 14 सेकंड्स लिए हैं। आप चेकआउट करो वीडियो और फिर उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर।